नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक के बाद एक फैसलों के जरिए राज्य में फैली अव्यवस्था को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनके सपनों पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही कई जगहों से कुछ तस्वीरें ऐसी आईं जिसने इन सवालों को बल देने का काम भी किया। अब ये नया मामला मेरठ नगर निगम के मेयर हरिकांत अहलूवालिया के नए फरमान से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने नगर सेवकों को बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय गीत के समय अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया। मेयर साहब ने यह भी साफ लब्जों में कह दिया कि जो भी सदस्य राष्ट्रीय गीत नहीं गाएगा उसे ना तो मीटिंग रूम में घुसने दिया जाएगा और ना ही वो बैठक में हिस्सा ले पाएगा। आपको बता दें कि मेरठ नगर निगम बोर्ड में कुछ मुस्लिम पार्षद भी हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए मेयर के फैसले का विरोध भी किया। इन मुस्लिम पार्षदों का कहना है कि ये फरमान शरीयत के खिलाफ है और वो किसी भी कीमत पर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार खुले मन से भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास उनकी सरकार करना सिर्फ नारा है बल्कि उसे अमल में भी लाया जाएगा। लेकिन सवाल है इन परिस्थितियों में कैसे। मुख्यमंत्री के सूर्य नमस्कार और नमाज पढ़ने को एक जैसा बताने वाले बयान ने पहले ही सियासत को गर्म करने का काम किया। ऐसे में रह रहकर बीजेपी नेताओं के इस तरह के फरमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे, आज लोकतंत्र में चर्चा इसी पर। देश में इन दोनों राष्ट्रवादिता को लेकर लंबी बहस छिड़ी हुई। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से जुड़ा हर दिन कोई ना कोई ऐसा फरमान सामने आता है जो सुर्खियों को बटोर ही लेता है। ये ताजा मामला मेरठ का है। नगर निगम के मेयर का फरमान है एक अलग विवाद को जो जन्म दे रहा है। ये नजारा मेरठ नगर निगम का है। वंदे मातरम को लेकर मेयर के आदेश से यहाँ विवाद खड़ा हो गया है। मेरठ नगर निगम की बैठक की परंपरा रही है कि इसकी शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ होती है। हालांकि इसमें ये विकल्प है कि जिन्हें इसमें हिस्सा न लेना हो वो इस दौरान बाहर जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी से जुड़े मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रगीत में अनिवार्य रूप से शामिल होने का फरमान सुनाया है। मंगलवार को हुई निगम की बैठक में मेयर साहब ने 7 नगर सेवकों के मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया। इसकी वजह वंदे मातरम में उन नगर सेवकों का न शामिल होना था। उन्होंने ये निर्देश भी दिया कि जो राष्ट्रगीत नहीं गाएगा उसे मीटिंग में घुसने या मीटिंग में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर निगम बोर्ड में कुछ मुस्लिम पार्षद भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए मेयर के फैसले का विरोध किया। अब मेयर ने राष्ट्रगीत के सम्मान में हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कई मुस्लिम पार्षद किसी भी कीमत पर वंदे मातरम नहीं बोलने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है यह शरीयत के खिलाफ है। अब इस पर बहस छिड़ गई है। आप वंदे मातरम कि किसी पे जबरदस्ती मत कहने को कहिए, जिसका जी चाहे कहे, जिसका जी चाहे कहे। आप किसी समुदाय को आप जबरदस्ती मना कर रहे हैं, तो आप अपने आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, संविधान के भी खिलाफ आप जा रहे हैं। वंदे मातरम से पहले सूर्य नमस्कार को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 3/4 बहुमत मिला है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने चहुमुखी विकास का भरोसा दिलाया था। मुख्यमंत्री को शपथ लिए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एंटी रोमियो स्क्वाड और बूचड़ खानों को बंद करने की सक्रियता के अलावा कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि विकास के लिए जरूरी क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और एक के बाद एक फैसलों के जरिए राज्य में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनके सपनों पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा कैसे होगा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना देखा जा रहा है वो सपना पूरा कैसे होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के मेहमानों से। मेरे साथ चंद्रभूषण पांडे जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे।
अनुज आत्रेय हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुफ्ती समून कासमी साहब हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से ये फरमान जारी किया गया उस पर क्या रिएक्शन उनका है। मुन्ना कुमार शर्मा हैं, आप हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। हसीब सिद्दीकी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भी इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है इस पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत चंद्रभूषण पांडे जी, मैं आपसे ही करूंगा। खुले मन से कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लोगों को भरोसा रखना चाहिए नई सरकार पर। लोग भरोसा रखें तो क्यों? जी देखिए अक्षय जी, जो सच्चाई है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, इसके पहले भी और राज्यों में भी काम कर रही है। हम दिल्ली में भी केंद्र में सरकार चला रहे हैं। हमारे लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो लोगों का कल्याण है, लोगों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाना है। भारत के संविधान को कार्य रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, उसके एक एक शब्दों का अक्षरशः और उसकी आत्मा का सम्मान करते हुए सरकार को हम कार्य रूप में संचालित कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें कहीं से भी किसी के मन में कोई शंका और शुभान नहीं होनी चाहिए। और हम कहीं से भी, हमारे जिम्मेदार लोग कभी भी इससे विषयांतर होने का न तो शब्दों से न तो आचरण में ही दृष्टिगत होंगे आपको, न तो हो रहे हैं। नहीं तो इस बात से जो मेरठ नगर निगम के मेयर हैं अहलूवालिया साहब, क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? देखिये अहलूवालिया जी हमारे पार्टी के कोई न तो स्पोक्स पर्सन है न तो हमारी पार्टी के मुखिया है जो हमारी नीति तय कर रहे हों। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में बात रखी वो सारी चीजें शीघ्र ही आपके सामने आएगी। लेकिन मेरा मानना है कि वंदे मातरम को लेकर के इस देश में आजादी के पहले से लंबी बहस हुई है, आजादी के बाद भी लंबी बहस हुई है, और उसमें जो वैधानिक स्थिति है और जो धार्मिक विभिन्न लोगों के नजरिया है वो सब लोगों के सामने है। उसमें बहुत चीजें नहीं, आपको याद होगा कि 1937 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको लेके काफी डिबेट हुई और पंडित नेहरू ने उसमें कई एक संशोधन आए थे, वो सारी चीजें भी आप लोग जान रहे होंगे कि उसमें कुछ स्टेंजा को पढ़ने की बात हुई, कुछ की नहीं हुई। उसी दौरान भारत माता मंदिर बनता है बनारस में और गांधी जी उसका उद्घाटन करने जाते हैं। आप समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे जी ने एक मंदिर नहीं, मैं मानता हूं कि वंदे मातरम को किसी देवी के पूजा के श्लोक के रूप में न देखा जाए। वंदे मातरम इस देश की जो गरिमा है, इस देश की जो प्रतिष्ठा है, इस देश का जो वैभव है, इस देश की जो प्राकृतिक विरासत है, इस देश की जो विशिष्टता है, वो चाहे पर्वत शिखरों के रूप में हो, चाहे उपजाऊ भूमि के रूप में हो, चाहे सदा निरा पूर्ण निरा पवित्र निरा नदियों के रूप में हो, या विविध समाज की जो हमारी विविधता है। मूल मुद्दे पर आते हैं ना, ये तमाम घुमावदार बातें ठीक नहीं है। सीधा जवाब हम चाहते हैं दीपक मिश्रा जी, जो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो क्या डंडे के बल पर किसी काम को कराया जाना ठीक है? देखिए अक्षय जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश है। विजय एमोनियल और केरल वर्सेस केरल ये मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि आप राष्ट्रगीत गाना चाहें न गाना चाहें ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो संविधान द्वारा दिया गया है। और जहां तक वंदे मातरम को लेकर है, आप वंदे मातरम को धर्म से क्यों जोड़ते हैं? वंदे मातरम भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जब तब की कांग्रेस में बुनियादी अंतर है गाया गया था। मेरे ख्याल से ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्ला सयानी साहब थे। तो इसको जोड़िए मत। सही बात क्या है, आप देखिए इसको नजरअंदाज मत करिए। मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि सूर्य नमस्कार और नमाज एक जैसा है। उसी समय मेरठ एक तरीके से सांस्कृतिक राजधानी है पश्चिम की, पूरी की पूरी पश्चिम का जो मनो सामाजिक राजनीतिक तंत्र है वह मेरठ से गवर्न होता है। वहां के मेयर कहते हैं कि निकल जाओ, जो राष्ट्रगीत जबरन नहीं गाएगा वो हमारी मुख्य धारा में नहीं रहेगा। यानी कि यह जुबान से कह रहे हैं कि हम सबको मुख्य धारा में लेंगे, और इनका कर्म कह रहा है कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा वह मुख्य धारा से बाहर चला जाए। यह वैसा ही कुछ है कि जो हमारी जय न बोले वो
और जहां तक जय की बात है तो वंदे मातरम को धार्मिक पहलू मत देखिए, वंदे मातरम का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व तो देखिए। खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जिसकी अभी बात हमारे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था, वो नेहरू कमेटी के सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने वंदे मातरम के बाकी स्टैंडर्ड्स को किनारे कर दिया, चूंकि वह देवी दुर्गा है और उस समय देवी दुर्गा को देश का प्रतीक मानकर इसकी वंदना की गई थी जब आनंद मंत्र लिखा गया था। सच्चाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहस के आधार पर नहीं, नीतियों के आधार पर नहीं, आरएसएस की लाठी के आधार पर देश को गवर्न करना चाहती है, हांकना चाहती है, यही बुनियादी तत्व है। और इसी की निंदा समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा, समाज के हर वर्ग द्वारा की जानी चाहिए और हो रही है। आप बताइए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बस एक बात और कह के खत्म करूं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर जो, और एक जिला है श्रावस्ती, दोनों की प्रति व्यक्ति आय में 2 लाख से ज्यादा का अंतर है। वो कम क्यों हो, कैसे हो, इस पे योगी जी को कोई चिंता नहीं है। इन्होंने खुद वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, इनकी एक बड़ी केंद्रीय एजेंसी कह रही है ये संभव ही नहीं है, उसके लिए संसाधन कहां से इकट्ठा हो, इसकी कोई चिंता नहीं है। दरअसल इन सवालों को जनता न उठाए, इसीलिए कभी सूर्य कुमार, कभी वंदे मातरम, कभी कुछ ये प्रतीकात्मक मुद्दे उठा। मुफ्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश को मुफ्ती साहब आपको क्या लगता है, एक तरफ जब ये दावे किए जाते हो, इस तरह के वादे किए जाते हो कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ लेकर जाएंगे, इन सब के लिए सबसे जरूरी क्या चीजें हैं? नहीं देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसे स्पष्ट किया है कि जो मेयर हैं ये उनका अपनी व्यक्तिगत, उन्होंने ऐसा किया, वो कोई स्पोकमैन नहीं है, ये उन्होंने नकारा है। और मैं आपको जरा पीछे लेके जाना चाहूंगा, 2009 में देवबंद से एक फतवे का जिक्र हुआ तो वहां कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो स्वयं मैं क्योंकि उसका आयोजक था, हमारे श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, उन्हें बुलाया और वहां के विद्वानों के साथ बात की, वो सारी रिकॉर्ड जो है मौजूद है। तो वहां के विद्वानों ने भी एक बात कही थी कि भाई देखिए, ना हम किसी को गाने से रोकेंगे और ना हम किसी को गाने के लिए कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो रोलिंग है हम उससे बंधे हुए हैं, और ये विवाद खत्म हो गया था। अब ये वहां के जो मेयर साहब ने किया है, इसका सरकार से मैं नहीं समझता हूँ कि इस मुद्दे को तूल दिया जाए, बल्कि जो देश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने कल भी एक फेस्टिवल के अंदर बहुत अच्छी बात कही कि भाई योग के अंदर नमाज की क्रियाएं भी पाई जाती है, बहुत सारे लोग लाठी डंडे लेके खड़े हो गए। अरे भाई, मैं ये तो कहना चाहता हूं, कौन कर रहा है फिर मुफ्ती साहब, अंदर सियासत कौन, दीपक मिश्रा जी, उनकी पार्टी, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से हो रही है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से सियासत कौन कर रहा है? जैसे अभी बड़ा और इससे ज्यादा क्या स्पष्टीकरण हो सकता है कि उनके प्रवक्ता ने फौरन उसके ऊपर रिएक्ट किया और कहा कि ये मेयर का अपना एजेंडा हो सकता है, वो पार्टी का नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे सियासी रंग ना दे करके वहां जो स्थानीय तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इख्तियारात सारे संविधान में दिए हैं, हर मजहब के आदमी को उसकी पाबंदी करनी चाहिए और उसे तूल नहीं देना चाहिए, और फिर उसी प्रदेश को, ताकि हम विकास की डगर पे ला सके। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी जिस तरह से उन्होंने अपना एक, मैं कल ये बात सुन करके बहुत ही मुझे खुशी हुई, और मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार को काम करने का मौका दीजिए, ताकि विकास के की पटरी पर ये प्रदेश आ सके और हमारी मूलभूत जो जरूरतें हैं, सबको रोजगार मिले, सबको एजुकेशन मिले, उसकी तरफ हमें आज आने दीजिए। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा योगी जी से कि आप ऐसा कर सकते हैं, मैं मोदी जी से भी ये उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था इस प्रदेश के और देश के अंदर हो कि एक गरीब आदमी का बच्चा और एक अमीर आदमी का बच्चा एक स्कूल के अंदर पढ़े, एक कलेक्टर का बच्चा और एक चपरासी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा एक स्कूल के अंदर एजुकेशन हासिल करेगा तो प्रदेश के अंदर विकास की धाराएं तेज होंगी, ऐसा हमें वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है मुन्ना कुमार शर्मा जी, लेकिन एक सवाल तो उठेगा ही कि विपक्षी पार्टियां अगर इस तरह से सवाल उठा रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो सपना दिखाया गया, जो सपना देखा जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना कर रहेंगे, उसमें अगर अपने लोग ही इस तरह से विघ्न डालने का काम करेंगे तो ये परंपरा से क्या उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा? देखिए, वंदे मातरम मातृभूमि का गुणगान है, मातृभूमि में हम लोग पैदा हुए हैं, यहाँ खा पी रहे हैं, जी रहे हैं,
सब कुछ हमें वहां से प्राप्त हो रहा है, उसके बाद भी उस मातृभूमि का नमन हम लोग ना करें तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब राष्ट्रद्रोही हैं और उनको राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं है। आखिर अगर ये गलत था तो जो सात पार्षद थे मुस्लिम समाज के, उन्होंने कहा कि अगर ये करना है तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, उनको शामिल करने देना चाहिए और उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए। जो बंदे योगी सरकार से मांग करेंगे क्या, आप लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही हैं? मांग करेंगे नहीं, मांग कर रहा हूं कि जो बंदे मातरम का गुणगान ना करे उसकी सदस्यता समाप्त की जाए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, नगर निगम, जहां से भी हो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। ठीक है, चूंकि ये बंदे मातरम क्रांतिकारियों का गीत था। जब ये क्रांतिकारी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए निकलते थे तो वंदे मातरम का गीत गाया जाता था। तो आप कौन सी क्रांति कर रहे हैं? उससे उत्साह बनता था और वंदे मातरम गीत गा करके भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने भारत को आजादी दिलाई, अंग्रेजों के डंडों से मुक्त कराया। और जो आज ये यहाँ पर पल भर रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, यहाँ जी रहे हैं, वही लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये क्षमा योग्य नहीं है और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ के किसी भी सदन का सदस्य हो, जनता का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऐसा उनको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुजात्रे मैं आपके पास आता हूँ। कानून संविधान नाम की भी कोई चीज है। अगर कोई मामला कानून में चल रहा है और जिसमें यह है कि कोई बाध्यता नहीं है, इन परिस्थितियों में अगर इस तरह का फरमान एक मेयर की तरफ से जारी किया जाता है कि आप बैठक में तभी शामिल हो सकते हैं, आपको अंदर तभी दाखिल होने दिया जाएगा जब आप वंदे मातरम गाएंगे, ये ठीक है? देखिए, ये जो आज घटना घटी है ये बीते 3 वर्षों से कहीं ना कहीं हमारे देश में एक हिडन एजेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और ये लोग इस चीज को, मैं आप मुन्ना जी आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था, मुझे आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बीजेपी कहाँ गा रही है, ये तो कांग्रेस। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुआ और कांग्रेस जब तक इस गीत को गाती रही तब तक कांग्रेस मजबूत रही और जब कांग्रेस चले ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए अनुज, अपनी बात सुन लीजिए। ठीक है मुन्ना जी, आपको अब इसी बात पे आता हूँ। आप जिन लोगों की पैरोकारी कर रहे हैं, जिस समय ये गीत बना था उनका तो कोई अता पता भी नहीं था। कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिए, कांग्रेस के नेताओं ने, और आजादी के बाद भी बलिदान दिए। गीत बनाया तो उसको गाइए ना, आप थोड़ा बीच में विरोध क्यों कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा आप बौखलाए ना, सुने मेरी बात। जब आपने गीत बनाया, इस तरह से डिबेट नहीं चलती है मुन्ना जी, आप सुनने का भी धैर्य रखें। अगर आप बीच में बोलेंगे तो लोगों की बात सुनेंगे कैसे, आपको समय मिलता है? ठीक है मुन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। अनुज आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये देश हमारा, इस देश का एक संविधान बना हुआ है, ये देश हमारा धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पर सबको अपना धर्म की, अपना अपनाने की, अपनी अभिव्यक्ति की एक आजादी मिली हुई है। हम सबको अपना अपना एक धर्म चुनने का अपना अधिकार है। आज मैं हिंदू हूँ और फलाने मुसलमान है, अगर वो किस चीज को मानते हैं किसको नहीं मानते, हम उन पे बाध्यता नहीं कर सकते हैं। ये देश का कानून हमारे को छूट देता है इस बात की। हम ऐसा भी देखने, अभी पीछे आया था सब लोगों के सामने कि कितने तमाम भाजपा के नेताओं ने, जो मुस्लिम समाज के लोग, अगर उनको किसी प्रकार से एक आदर और सम्मान के रूप में टोपी पहनाने की कोशिश की, दुशाला देने की कोशिश की, उन लोगों ने उसको मना कर दिया। तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने उनका अनादर कर दिया। आज इसी प्रकार से अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि तमाम मुस्लिम लोगों को वंदे मातरम से परहेज है, इस देश में अगर सबसे बढ़िया वंदे मातरम अगर गीत का जो एक रचना की गई है वो A.R. रहमान द्वारा की गई है, जो कि एक मुस्लिम है और जो सबसे हिट आ गया आज की डेट में चल रहा है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम 1880 में बंकिम चंद जी ने इसकी रचना की थी और 1950 में हमारे देश के संविधान ने इसको अपनाया था। बात चल रही थी कि इसको राष्ट्रीय, नहीं तो इसके अपनाने में हर्ज कहाँ है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये एक हमारा राष्ट्रीय गीत है, एक नेशनल एंथम नहीं है, ये एक पोयम की तरह से इसको लिया गया है। इसीलिए उस समय भी कहीं ना कहीं इसमें एक आपत्ति दर्ज की गई थी हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कि आप इसको जो है नेशनल एंथम के रूप में ना देखें। इसीलिए नेशनल एंथम में जनगण मन को अपनाया गया था और इसको एक राष्ट्रीय पोयम के रूप में और राष्ट्रीय गीत के रूप में लिया गया था और इसमें स्पष्ट लिखा था कि जिन लोगों को अगर कहीं कोई इसमें आपत्ति है तो वो इसको ना गाएं। अगर कहीं उनका धर्म का उसमें कुछ लोग इसमें थोड़ा सा आड़े आता है उनकी ऑब्जेक्शन, तो उनको छूट दी गई है और हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से
मुस्लिम भाई भी हमारी भावना को सम्मान देते हैं। अगर कोई हमारा जरूरी नहीं है कि हम लोग सब लोग जो हैं हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग इनके मुस्लिम समाज के तमाम धर्मों में अपना हम लोग जाते आते हैं, लेकिन क्या सभी हिंदू हमारे उसमें जाते हैं? क्या सभी लोग मस्जिदों में जाते हैं? ठीक है, ठीक है, हसीब सिद्दीकी साहब मैं आपके पास आता हूं। ठीक है अनुज, मैं आपके पास आऊंगा। मुन्ना सिंह जी, क्यों इसको बाध्य करते हैं? मुन्ना सिंह जी आपके पास आऊंगा। हसीब सिद्दीकी साहब, ये फूट डालने का काम कौन करता है? अभी मुफ्ती साहब को, ठीक है अनुज मैं आपके पास आऊंगा, अभी मुफ्ती साहब को हमने सुना, उन्होंने एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की है कि अगर जो गाना चाहता है तो गाए, उसमें एतराज नहीं होना चाहिए, जो नहीं गाना चाहता उस पर दबाव भी नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं गाना तो क्यों क्यों दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए अक्षय जी, ये बात जो है वंदे मातरम और जनगणमन को लेके, ये बात आजादी के समय तय हो गई थी। इस पर कुछ रिजर्वेशन थे मुसलमानों के, उस वक्त देश हित में समझा गया, राजगान जो है जनगणमन मनाया गया, और जो है ये वंदे मातरम को लेकर ये हुआ था। अब ये राजगान नहीं है, जो गाएगा गाएगा, नहीं गाएगा नहीं गाएगा, ये मामला खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, पार्टी चाहती क्या है। प्रवक्ताओं का कहेगा साहब के साहब, ये तो उसका व्यक्तिगत जो है मामला है, व्यक्तिगत मामला है, किसी उनके आमदनी का मेयर है, मामूली आमदनी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी का मेयर है, जहां पर एक बड़े शहर का मेयर है, वो है, वो बोले आप पार्टी से उसको निकाल दीजिए। उससे पूछे, उससे पूछा आपने आज तक? तुमने ऐसा बयान क्यों दिया पार्टी के लाइन तैयार कर? आपने नहीं पूछा, क्योंकि आप चाहते ये हैं कि एक प्रदेश में ऐसा माहौल 2019 तक बना रहे जिस माहौल के ऊपर भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश में 325 सीट लेके आई है। मैं एक आपको मिसाल दूं, आप जी, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, देखिए अभी हमारे मुन्ना सिंह ने जो एक बात उठाई अभी ये कि साहब वो देशद्रोही है, इतनी बड़ी बात कह दी है, ये गाली है। किसी को देशद्रोही करना, इतनी बड़ी कोई गाली हो ही नहीं सकती। किसी के देश के नागरिक को आप देशद्रोही कह दें? सबसे अच्छा भैया ये है, अभी जो रिजल्ट आए हैं आप देख लीजिए, चुनाव का जो एजेंडा था इनका क्या था, उस एजेंडे के ऊपर क्या हुआ? जहाँ मुसलमान नहीं है, जहाँ मुसलमान नहीं है, पंजाब में बीजेपी हार गई, गोवा में बीजेपी हार गई, मणिपुर में बीजेपी हार गई, क्योंकि वहां मुसलमान नहीं था। यूपी जीती, इसका एक्सटेंशन उत्तराखंड है, वहां जीत गई। अब कुंडा यहां तक आ रही है मुसलमानों में, कल एक साथी थे हमारे मुसलमान थे, वो कहते भैया हमको तुम डिफ्रेंचाइज कर दो। राष्ट्रपति क्यों कह रहे हो डिफ्रेंचाइज? जब तुम कर दोगे, हमको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, तो हम बीच में आएंगे ही नहीं। ये कुंडा, ये बातें बातें हो रही है। इस बात को जो है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, अपने पार्टी वालों को सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कि साहब जो बड़े बोले लोहे लोग बयान ना दे, ऐसी बातें ना करें। आप एक्शन लें, आप कार्रवाई करें। कोई आदमी अगर आपकी पार्टी की लाइन के खिलाफ बोलता है, या तो आप कहिए पार्टी की लाइन है हमारी, ये आप प्रवक्ता जी कह रहे हैं हमारी लाइन नहीं है पार्टी की, अगर नहीं है तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो आदमी ऐसी बातें कह रहा है, जो सर इस आग में घी डालने का काम कौन करता है? लड़ रहा है हसीफ सिद्दीकी साहब, इस आग में घी डालने का काम कौन करता है? सियासी दलों को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मुन्ना जी मैं आपके पास आऊंगा, मुन्ना जी मैं आपके पास आऊंगा, इंतजार कीजिए। आपने देख लिया जिसको पढ़ कर लाभ मिल रहा है ऐसी बातें करने से, मंदिर को, मस्जिद को, शमशान की, कब्रिस्तान की, बिजली की, रमजान की और ईद की, और उसको वही करेगा, वो कौन करेगा? वो सामने आ रहा है आपके। लेकिन अब आपको 325 आपके मेंबर्स हैं आपके, आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश में अमन अमान कायम हो, प्रदेश में शांति हो, प्रदेश जो है, देश जो है वो संविधान से चले, जहां जैसे भी बात की हमारे ये मुफ्ती साहब ने, ठीक है, विकास की बात हो जी, है विकास के ऊपर जो है हम आगे बढ़े, और इन बातों को हमको बिल्कुल सवाल इसी बात को लेकर है कि पैमाना आखिर किस बात को लेकर तय होना चाहिए। मुन्ना कुमार शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है वो देशद्रोही है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये पैमाना है क्या राष्ट्रभक्ति का? आप वंदे मातरम गाएंगे तो ही राष्ट्रभक्त होंगे? देखिए, मातृभूमि से प्यार सबको करना चाहिए। जो व्यक्ति मातृभूमि से ही प्यार नहीं करता है, उससे बड़ा गद्दार तो कोई नहीं, हो ही नहीं इसका सकता। आकलन आप कैसे कर सकते? उसको गद्दारी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? उसको राष्ट्रगान अगर वो गा रहे हैं, वंदे मातरम में अगर कुछ पेश है, आपत्ति है, तो उसको लेकर दबाव क्यों? जिसको देश से प्यार है, जो देश को मजबूत करना चाहता है, जो मातृभूमि से प्यार करता है, जो भारत माता को नमन करता है, जो भारत माता का सम्मान करता है,
वो राष्ट्रभक्त है, और जो भारत माता का अपमान करता है, जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश में अशांति पैदा करना चाहता है, जो आतंकवादियों से मिल करके देश में सांप्रदायिक दंगे करवाता है, जो बम विस्फोट करवाता है, जो सेना पर अटैक करता है, जो पुलिस पर अटैक करता है, वो देशद्रोही है, और उसका जो समर्थन करता है वो भी देशद्रोही है। ऐसे सारे राष्ट्रद्रोही। वंदे मातरम की परिभाषा क्या है ये बताएंगे हमारे दर्शकों को, मुन्ना सिंह चौहान जी, वंदे मातरम का अर्थ क्या है, शुरुआती जो चार लाइनें हैं उनका मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए। वंदे मातरम मातृभूमि का गुणगान है, मातृभूमि का नमन है, और ये जो कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी उस समय से ही ये शुरू किया गया, और जो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे, वो लोग वंदे मातरम का गीत गा करके और स्वतंत्रता का आंदोलन और ये झंडा लेकर के देश की आजादी के लिए लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये एक उत्साहवर्धक गीत था जो सब लोग गाते थे, हिंदू मुस्लिम सारे लोग इसको गाते थे। लेकिन पता नहीं है जब से कांग्रेस पार्टी राजनीति करने लगी और हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने लगी, तब से ये शुरुआत हुआ। सोच के लोग जब से हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा शुरू हुआ और जो है जब से मुसलमानों को मुसलमानों को वोट बैंक बटाने की जगह अगर विकास की बात सरकार ने, ठीक है अनुज मैं आपके पास आऊंगा, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग कहते हैं, अनुज मैं आपके पास आऊंगा, मुन्ना सिंह चौहान जी इस बात का जवाब दीजिए, आप लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग वोट की राजनीति के खातिर इस तरह करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे भरोसा कर पाए वो समुदाय, खास समुदाय जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए कि आपने किया हो जिसमें उनमें संदेश जाए कि हम भी इनके साथ चले तो ठीक है। देखिए हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें सबको स्वतंत्रता है, सबको समान अधिकार है, तो फिर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाइए वरना आप देशद्रोही हैं, ये पैमाना आप तय करेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई बंटवारा नहीं है, कोई भेदभाव संविधान में नहीं है, कोई कानून में नहीं है, और सब लोग पूरी आजादी के साथ रह रहे हैं, सबको शिक्षा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है। सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो केवल हिंदुओं को सर नहीं, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40% आबादी ऐसी है जो अभी गरीबी रेखा से नीचे है। नहीं पांडे जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं मानता हूँ सर, उत्तर प्रदेश में ये बताइए कि सरकार के लिए जरूरी एजेंडा क्या है। एक तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं, अपने विधायकों और मंत्रियों से हिदायतें देते हैं कि आप सादगी बरतिए, ईमानदारी रखिए, पारदर्शिता लाइए और अपने पद अपने रसूख का इस्तेमाल मत कीजिए, भलाई में काम कीजिए, जन सेवक कहा जाता है ना आप लोगों को। अक्षय जी जब से योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया है उनके एक एक शब्दों को आप निकाल लीजिए, एक एक शब्दों को निकाल लीजिए, उन्होंने यदि कहीं बात की तो यही की कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, उन्होंने अगर बात की तो यही कहा रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश होना चाहिए, उन्होंने अगर कभी बात की तो यही क्या स्वास्थ्य सुविधाएं समुन्नत होनी चाहिए, प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थाओं तक गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था तक सभी आदमी की पहुंच होनी चाहिए, उन्होंने अगर बात की है तो बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की, उन्होंने अगर बात की है किसानों के सही जो समर्थन मूल्य है उसपे सारे उत्पादों के खरीद की बात की, देखिये बेरोजगारी पर उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, समय पर ऑफिस आने की बात कर रहे हैं, उन्होंने आते ही कार्यालयों में स्वच्छता और सफाई की बात की। पांडे जी आप कितनी स्वच्छता बरती जा रही है, आप बताइए स्वच्छता बरती जा रही है, कुछ फैसले आप मुझे बता दीजिए, एक अवैध भूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा एंटी रोमियो स्क्वाड हो, उसके अलावा कोई ऐसा फैसला बताइए जिस पर सरकार ने सख्ती से फैसला हुआ किया हो, अभी तो किसान भी मुंह ताक रहे हैं। अच्छा जी आप किसान मुंह ताक रहे हैं, आप माफी चैनल को भेजिए, आप अपने चैनल को भेजिए, लोग समय से कार्यालय आ रहे हैं, कोई रिश्वत लेते सर, हमारे चैनल नहीं तमाम दफ्तरों का जायजा लिया है और हकीकत सामने रखी है सर, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं, हम उनको पनिश करेंगे। ऑफिस टाइमिंग 10 बजे है सर, ऑफिस टाइमिंग 10 बजे है, अधिकारी 11 बजे तक नहीं पहुंच रहे हैं, तमाम जगह ऐसी हैं, हमने दिखाया इसीलिए सवाल पहुंच रहे हैं तो पनिश किए जाएंगे, पनिश हो रहे हैं, उनको नोटिसेस इशू हो रहे हैं, जहां ऐसे मामले आ रहे हैं उसके औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, सबकी जवाबदेही फिक्स की जाए। देखिए आज सिचुएशन ये है कि योगी आदित्यनाथ सुशासन के पर्याय के रूप में खड़े हो रहे हैं,
गरीबों के मसीहा के रूप में खड़े हो रहे हैं, कानून के रखवाले के रूप में खड़े हो रहे हैं, सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में खड़े हो रहे हैं। कल मैं उनके साथ 3 घंटे मैंने भी समय बिताया, बहुत ईमानदारी से मैं बताना चाह रहा हूँ, उनका गुणगान नहीं करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में हम जाति और धर्म की राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, जबकि वो कार्यक्रम पूर्णतः बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में था। वहां पर भी उनके शब्दों को मैंने एक एक शब्दों को देखा, उन्होंने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और तमाम क्षेत्र के आधार पे नहीं, ये संदेश आपकी पार्टी के नेताओं के कानों तक नहीं पहुंचता क्या पांडे जी? ये जो संदेश है अहलूवालिया जी जैसे नेता और जो बीजेपी विधायक विक्रम सैनी जैसे नेता, इन लोगों के कानों तक ये संदेश नहीं पहुंचता है क्या? मुझे लगता है कि अहलूवालिया जी को भी जो भारत की कानूनी स्थिति है वंदे मातरम को लेके, वो पता अगर होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो हो जाएगी। और मैं मानता हूँ हमारे एजेंडे में आज की डेट में गरीब की बदहाली से मुक्ति है, हमारे एजेंडे में आज अस्पतालों के स्वास्थ्य को सही करना है, हमारे एजेंडे में आज किसानों को पानी देना है, हमारे एजेंडों में मंडियों की लूट को समाप्त करना है, हमारे एजेंडों में भर्ती संस्थाओं में जो दुर्व्यवस्था है उसको समाप्त करना है, हमारे एजेंडे में यूपी के युवाओं को जाति धर्म से ऊपर उठ के उनको काम देना है, हमारे एजेंडे में कानून का राज एस्टेब्लिश करना है, हमारे एजेंडे में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। एजेंडे पर सवाल नहीं है सर, एक ब्रेक ले हम जाते हैं, उसके बाद इस एजेंडे पर भी बात करेंगे। और इस एजेंडे के नाम पर कुछ लोग कहीं ना कहीं उम्मीदों पर पलीता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ ऐसे नेता सामने आए हैं जिन्होंने सत्ता का रसूख दिखाने की कोशिश की है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं, जो सपने संजो जा रहे हैं, वो सपने आखिर कैसे पूरे होंगे? एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सभी खास मेहमान बने हुए हैं।